ठीक है, सो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी दे विचो मेन एक एनर्जी जिहड़ी साडे को रिक्वायर्ड होएगी, ठीक है जी, वो अपने को टर्म आ जानी है न्यूक्लियर एनर्जी, जिहड़ी थोड़ी जी अपने एक्सप्लेनेशन नाल चाहिए है, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी डिफाइन करिए ते अपने को न्यूक्लियर एनर्जी किनू कहने बेटा, कहना एनर्जी विच इज टू बी जनरेटेड ड्यूरिंग द फिशन एंड फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, यानी किसी भी मेरे को सच न्यूक्लियस की फिशन करके, फिशन मीन न्यूक्लियस की स्प्लिटिंग करके, या मेरे को दो या दो तो ज्यादा न्यूक्लियस नू कंबाइन करके, यानी उनकी फ्यूजन करके, ठीक है, जी एनर्जी जनरेट होंगी है उस एनर्जी को नाम दे देने न्यूक्लियर एनर्जी। जो अभी डिफाइन करिए बेटा तो अभी कहने कि न्यूक्लियर एनर्जी जी होगी अपने आप से यदि अमाउंट जी है मेरे को, ठीक है, एक वास्ट अमाउंट असी जनरेट कर सकते हैं विद ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कहना जी रिएक्टेंट पार्टिकल, यानी थोड़े जा रिएक्टेंट यूज करके असी एक ह्यूज अमाउंट के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। और ये बेसिकली दो डिफरेंट फिनोमिना ने जिदे थ्रू असी न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करते हैं, उन्होंने असी नाम दे देने कि भी साडे कोल ऐसा न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस के थ्रू, और सेकेंड आ जाता साडे कोल न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो फिशन और फ्यूजन अपने को ऐसा चीज डिफाइन करिए तो कहता जी फिशन और फ्यूजन असं किनू कहने, तो फिशन के अंदर मेरे को मेन ये रहेगा कहना जी जिस प्रोसेस के अंदर मेरे को ऐसा क्या होएगा, एक हैवी न्यूक्लियस जोड़ा होएगा दैट विल बी स्प्लिटेड अप इनटू टू और मोर फ्रैगमेंट, ठीक है, यानी एक हैवी न्यूक्लियस को स्प्लिट करके तोड़ के दो या दो तो ज्यादा जो फ्रैगमेंट बनावांगे उदो जी एनर्जी जनरेट होंगी है उन्होंने असं नाम दे दें कि भी वह न्यूक्लीयर एनर्जी न्यूक्लीयर फिशन प्रोसैस न आई है। तो जे मेरे को दो या दो तो ज्यादा लाइट न्यूक्लिया कंबाइन करके, ठीक है, दो या दो तो ज्यादा लाइट न्यूक्लिया कंबाइन करके असी एक हैवी न्यूक्लियस जनरेट करिए उदो असं कहने जी न्यूक्लीयर फ्यूजन प्रोसैस न एनर्जी जनरेट होएगी। जो सा एटम बंब आ, जो सा एटम बंब आ उसका बेसिक प्रिंसीपल न्यूक्लियर फिशन आ, जिहड़ा साडा हाइड्रोजन बॉम्ब आ, ठीक है जी, उसका बेसिक प्रिंसीपल न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसैस आ, ठीक है। एटम बंब ते हाइड्रोजन बंब इन्हों दोनों के बेसिक मैकेनिज्म डिफरेंट आ, ठीक है। एटम बंब का बेसिक फिनोमिना न्यूक्लियर फिशन आ और हाइड्रोजन बंब का बेसिक फिनोमिना न्यूक्लियर फ्यूजन आ। क्या इन्नी गल समझ लगती पई? यस सर। दोनों ही प्रोसेस के अंदर बेटा जे असीं दोनों ही प्रोसेस नूं लैके चलीए ते दोनों प्रोसेस के बैक एंड दे उत्ते साडी एक मेन कह लो कि इक्वेशन वर्क करती आ जिहनूं असीं नाम दिंदे मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ठीक है। असीं एक ऐसा जो फिनोमिना लैके चलते हैं विच इज टू बी कॉल्ड एज अ मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एनर्जी इक्विवेलेंस बेसिकली की डिफाइन करता कि भी एनर्जी एंड मास बोथ आर इक्विवेलेंट टू वन एनर, इहदा मतलब हो गया सी इंडिविजुअल मास दी कंजर्वेशन नहीं लै पांदे, एनर्जी दी सी इंडिविजुअल कंजर्वेशन प्रूव कर दिंदे पर इंडिविजुअल मास दी कंजर्वेशन नहीं कर पांदे न्यूक्लियर रिएक्शन दे अंदर। फिर उत्ते सी कहने कि भी उस मूवमेंट ते मास एनर्जी दी फॉर्म च मेरे कोल कन्वर्ट हो जांदा, ठीक है। तो असीं कहने जी मास और एनर्जी आपस इंटरचेंजेबल आ, ठीक है, तो इन्हों की आपस के इकोवलेंस हैगी है। और इस इकोवलेंस जस्टिफाई करते हैं यूजिंग आइनसटाइन मास एनर्जी रिलेशन। आइनसटाइन ने मास से एनर्जी को आपस रिलेट करने वास्ते अपने को एक सच रिलेशन दिता विच इज टू बी कॉल्ड एज अ ईक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्केयर, ठीक है। डेल्टा एम असं नाम देने किस चीज को, असं कहना जी डेल्टा एम मेरे को मास डिफेक्ट होएगा, डेल्टा एम मेरे को मास डिफेक्ट का सिंबल होएगा और सी मेरे को जी स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, और ई मेरे को जी होएगी दैट इज द एनर्जी क्रिएटिंग, यानी एनर्जी ते मास आपस दे विच जिहड़े रिलेशन आ लिंक दा उन्होंने से कहने आइनसटाइन मास एनर्जी रिलेशन, और उधर रिलेशन हैगा ई इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली जे किसी न्यूक्लियर रिएक्शन दे विच कुछ मास का लॉस होएगा तो असं कहने जी वह जिन्ना लॉस इन मास होएगा, ठीक है, वह इस रिलेशन के थ्रू, ठीक है, थोड़े को इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट करता,
मतलब जे किसी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर असी ये फाइंड आउट करिए कि कुछ मास का लॉस हो गया तो जिन्ना लॉस इन मास होएगा तुसी उस रिएक्शन च एनर्जी क्रिएटेड नोट करो कितनी हुई आ उस एनर्जी नू जे मैं सी स्क्वायर नाल डिवाइड करा ला तो जिहड़ी वैल्यू बन के आएगी तो जिहड़ा तुहाडा रिएक्शन का लॉस इन मास होएगा ये दोनों चीजा आपस इक्विवेलेंट होंदियां क्या इन्नी गल समय लगती पई अपनी गल जे मान लो मेरे को कही मिथेन गैस बर्न कर दी गई इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इस यूरेनियम एटम एक न्यूट्रॉन का पार्टिकल जाके हिट करे बंबार्डमेंट करे देखा दूजे पासे जे मैं ऐसा च 200 टन कोला जेड़ा वा उन्हों अग ला दवा उन्हें बड़े कोल नू मैं बर्न करा फिर जेड़ी हीट जनरेट होएगी ठीक है ये दोनों इक्विवेलेंट ने इहदा मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ कोल विल बर्न टू प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज इज प्रोड्यूस बाय कहना जी न्यूक्लियर फिशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम मतलब 1 किलो यूरेनियम उन्नी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਟਨ ਕੋਲ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਟ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੈਟ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਮਾਲਰ ਇਨ ਅਮਾਊਂਟ ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚ ਹੀਟ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੈਟ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਹਿਊਜ ਇਨ ਅਮਾਊਂਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਐਸ ਐਚ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਓਲਡ ਬੌਂਡਸ ਆਰ ਬ੍ਰੋਕਨ ਐਂਡ ਨਿਊ ਬੌਂਡਸ ਆਰ ਫਾਰਮਡ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ ਇਜ਼ ਆਈਦਰ ਐਬਜ਼ੌਰਬਡ ਔਰ ਇਵੋਲਵਡ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਬੌਂਡ ਪੁਰਾਣੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਬੌਂਡ ਬਣ ਗਏ ਆਕਸੀਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੁਝ ਐਨਰਜੀ ਉਹਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਐਨਰਜੀ ਉਹਨੇ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕੀਤੀ ਨੈਟ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਹੀਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਪਰ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਸਾਈਡ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੇਂਜ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਿਸ ਚ 92 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 143 ਉਹ ਚ ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਉਹ ਚ 56 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਆ ਤੇ 141 ਚੋਂ ਆ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ ਆ ਠੀਕ ਹੈ 36 ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਕੀ 92 ਮਾਈਨਸ 36 ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ ਆ ਗਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੈਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਐਟਮ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿੱਥੇ ਲਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਰ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਾਲ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟਦੇ ਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੌਂਡ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਾਲੋਂ ਜਦੋਂ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਕਿਸੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮਤਲਬ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਟੁੱਟਦਾ ਵਾ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪਏ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਲਿਖਦੇ ਪਏ 92 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਆ 92 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 143 ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ ਆ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ ਹਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਆ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟਦੇ ਆ ਆਹ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾਂ ਆਹ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੌਂਡ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਚ ਐਨਰਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਦਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਐਚ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੂਜ਼ਲੀ ਬਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬੌਂਡ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ ਇੱਥੇ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਸ ਐਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟਰੋਂਗ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਐਨਰਜੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਨਰਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆ ਹਿਊਜ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਇਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਡ ਠੀਕ ਹੈ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੈਟ ਆਫ ਦ ਐਨਰਜੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਯੈਸ ਸਰ ਯੈਸ ਸਰ ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਐਸ ਐਚ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚ ਕਿੱਥੇ ਫਰਕ ਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਐਨਰਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਗਿਵਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮਾਸ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਲਓ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਇੱਧਰ 92 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਕੇ 92 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਆ ਜੇ ਇੱਧਰ 236 ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ ਆ ਇੱਧਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਟੋਟਲ 236 ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ ਆ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਹ ਕਨਜ਼ਰਵਡ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨੇ ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਐਸ ਐਚ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਸ ਮੇਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਮੰਨ ਲਓ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਮਾਸ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਆ ਗਿਆ 99.999999 ਗ੍ਰਾਮ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਲਮੋਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਕੁਅਲ ਮਾਸ ਆ ਬਟ ਆ ਵੈਰੀ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਮਾਸ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਸ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਲਾਸ ਇਨ ਮਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਈਡ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਮਾਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ ਨੂੰ ਸੀ ਸਕੇਅਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਹਿਊਜ ਟਰਮ ਆ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 3×10⁸ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 16 ਪਾਵਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਦੀ ਪਈ ਤੇ ਜੇ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ ਮੇਰਾ ਐਸ ਸੱਚ ਆਪਾਂ ਆ ਲਈਏ ਕਿ ਜੇ ਡੈਲਟਾ ਐਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0.00000001 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਸ ਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਮੈਂ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆ ਸੀ ਸਕੇਅਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਸੀ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਹੈਵੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਇਨ ਅਮਾਊਂਟ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਅਮਾਊਂਟ 'ਚ ਐਨਰਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਯੈਸ ਸਰ ਸੀ ਸਕੇਅਰ ਸੇ ਕਿਉਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਆ ਹੈ ਬੇਟੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮਾਸ ਐਨਰਜੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਸ ਦਾ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਮਾਸ ਐਨਰਜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਯੂਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਸਰ ਯੈਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਇਹਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ
दिनेश की बुक शायद डेरीवेशन दिखती भी हुई है पूछो बेशक पढ़ लियो या मेनू लगगी तो मैं तुम्हें पा दाँगा अदरवाइज आप डेरीवेशन चाहिए नहीं वो सो ये दो फॉर्मूले बने एनर्जी ने यह याद रखियो एक डेल्टा एम इंटू सी स्केयर आ लै ली दूजे पासे असी एक होर फॉर्मूला बनाने एनर्जी का न्यूक्लीयर एनर्जी का असी एक होर यूनिट लैके चलते हैं ठीक है जी एंड दैट शुड बी द कहना जी सैकेंड यूनिट लेके चला एनर्जी का तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ भी असी एनर्जी का यूनिट डिफाइन कर रहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अनदर यूनिट फॉर द कहना जी एनर्जी ठीक है आ मेरे को जो यूनिट आ जाएगा यह कितों बनाया पोटेंशियल की डेफिनेशन च जाओ गुरलीन असी स्टिल असी लैके चलते हैं कि साढ़े जिहड़े न्यूक्लीयर फिनोमिना ने उहदा बेसिक प्रिंसीपल यह है बेटा ठीक है जी इसलिए इस कंसैप्ट असी यह नहीं कह रहे कि भी तुहाडे कोल एस एच ए नूं असी एलीमिनेट कर दिता इहदी मॉडिफिकेशन तो पॉसीबल आ ठीक है जी बट स्टिल जिहड़ा बेसिक मास एनर्जी की कन्वर्जन हैगी आ दैट इज टू बी सैटिस्फाइड बाय दिस रिलेशन वो साडा अज दी डेट च भी इस चीज़ नाल जस्टिफाई हुंदा वा बेटा इसलिए इस रिलेशन आपां यूज करदे पए ठीक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टर्म यह बन जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज ठीक है उसे वर्क डन बाय चार्ज आ जाएगा तो आ चार्ज में जो मैं पोटेंशियल ना मल्टीप्लाई कर लवा आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज में भावे ई लिख दियो तो जे मैं तो वर्क कट लवा तो वर्क मेरा बन गया चार्ज इंटू पोटेंशियल इसलिए वर्क का एक यूनिट जोड़ा वा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म च भी आता इन गल समय लगी जे असी कहने कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होएगी जो कोई न्यूक्लियर रिएक्शन कैरीड आउट करांगे ते नॉर्मली न्यूक्लियर रिएक्शन दे अंदर जिहड़े न्यूक्लियर मासेस ने उसी किलोग्राम या ग्राम च नहीं लेंदे असी मास दा जिहड़ा यूनिट यूज करदे आ ओह मेरे कोल आ जांदा AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट या जिहनूं असी कहने यूनिफाइड मास ठीक है ते इहदा मतलब जे मासेस मेरे किसी न्यूमेरिकल दे अंदर एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास दी फॉर्म च दिते आ तो फिर ये कोरसपोंडिंग एक असी डायरैक्ट कन्वर्जन रखी हुई है कि जे किसी रिएक्शन के अंदर मेरा वन अटोमिक मास यूनिट के बराबर मास का लॉस हो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन जो लॉस इन मास जोड़ा वा वो वन AMU के बराबर हो कोरसपोंडिंग असं कहने जी 931 मैगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जनरेट होंगी मतलब जे किसी रिएक्शन के अंदर जो मास डिफेक्ट आ वो 1 AMU के बराबर हो असी इनू एसएच ए 1 AMU पुट करके इनू एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करिए मैगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच ते फिर 1 AMU के बराबर जी एनर्जी आ 931 मैगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगी किदा कहना पिया आप इतों डिफाइन कर सकते हैं कि जे आ रिलेशन च मेरा मास डिफेक्ट 1 AMU आ मास डिफेक्ट मेरा 1 AMU है इन मैं मल्टीप्लाई करा सी दे नाल सी दी वैल्यू मेरी 9×10^16 आ गई आप इहदा स्क्वायर खोल के लिख दिता हुण आ एसएच एसआई यूनिट नहीं हैगा ठीक है मास दा एसआई यूनिट किलोग्राम ते जे असी 1 AMU नूं किलोग्राम च चेंज करना ये चीजा केमिस्ट्री च पढ़िया हुई तुहाडे बेटा ते 1 AMU दे बराबर जिहड़ा मास हुंदा ओह बन जांदा 1.66×10^27 किलोग्राम यानी जो 1 AMU के बराबर मास का लॉस होएगा असं कहने जी इन्ने किलोग्राम मास का असल च लॉस हो रहा तो इतने 1 AMU की थान से जो मैं आ किलोग्राम पुट कर लवा 1.66×10^-27 आ गया मेरे को 9×10^16 इन्ने जाउल मेरी एनर्जी रिलीज होएगी पर असी हुणी कहा कि असी एनर्जी मैगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट च लैनी है इहदा मतलब जाउल ते मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन्हों का आपस रिलेशन है पर वो कन्वर्जन आ होएगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जेडी आ ये 1.6 into 10 रेस टू पावर माइनस 19 जूल दे बराबर आ मतलब जिन्ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज हुंदा एक इलेक्ट्रॉन का इन्ना चार्ज हुंदा ठीक है इदे इक्विवेलेंट इन्ने जूल जेडे आ वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे इक्वल आ ते जे मैं मेगा लिखना होवे जे मैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखना होवे ते मेगा दा मतलब हुंदा 10 रेस टू पावर 6 इमले चो 6 पावरां घटा दियो इमल अपनी वैल्यू बन जानी है 1.6 into 10 रेस टू पावर माइनस 13 जूल यानी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन्ने जूल दे बराबर आ ठीक है ते जे तू मैं 1 जूल कढ़ना होवे ते इन्नी वैल्यू ने इधर डिवाइड कर लो आ मेरी एनर्जी जूल चा हुन इन मैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच जे चेंज करना ते मेरे कोल आ जाएगा E इक्वल टू 1.66 into 9 into 10 raised to power. इतने power adjust कर लो। ते 16 ते 11 minus इन्ना आ गया। Over इन्नी term दे नाल कर लो divide। यानी 1.66 into 10 raised to power minus 13। ते फिर थोड़ी energy जड़ी आ वो जाऊँ दी था ते mega electron volt बिचारे। ये सारी calculation जे solve कर लिए। जे सारी calculation solve करा ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 931 ਬਣਦੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 AMU ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਸ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਉਹ 931 ਮੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਨਮੈਰੀਕਲ ਚ ਜੇ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਚ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚ ਗਿਵਨ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਚ ਕੱਢਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ એનર્ਜੀ ਜੂਲ ਚ ਆਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ એનર્ਜੀ ਮੇਰੀ ਜੂਲ ਚ ਆਏਗੀ ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਕਨਵਰਜਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ AMU ਚ ਬਣੂਗਾ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਮਾਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਦੇਖ ਲੂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ AMU ਆ ਨਾ ਫੇਰ ਲਾਈਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਚ ਆ ਫਿਰ એનર્ਜੀ ਦਾ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਲਓ ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਮਾਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ AMU ਆ ਠੀਕ ਹੈ 1 AMU ਦੀ એનર્ਜੀ 931 ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡਾ AMU ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਨਟੂ 931 ਕਰ ਲਓ ਤੇ એનર્ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਵਿੱਚ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਦਾ डेल्टा एम इनटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आप फॉर्मूला उदो यूज करो जे मेरे को ऐसा च मास डिफेक्ट एटॉमिक मास यूनिट यानी यूनिफाइड मास दी फॉर्म च आ उदो यूज करो जे मास डिफेक्ट मेरा किलोग्राम च क्या आ सारी चीज समझ लगी यस सर यस सर मेरे अंदर किसी नु किसी भी थां कोई डाउट हैगा तो एक बार बोलो ठीक है जी वो पूछो पहले फिर आप अगे चलेंगे सर 9 into 10 raised to power 16 का से आया आज जो अपना c square है c अपना कितना 3 into 10 raised to power 8 8 ये ना square ओके सर square करूंगा तो 9 into 10 raised to power 16 बन गया यस सर और बोलो कोई क्लियर है सारे नो यस सर चलो ऐसे जी नो कंटिन्यू कर रहे हैं जी एक यदि फोटो क्लिक कर लीजिए ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸੇ ਮਾਸ એનર્ਜੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਨ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਟਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਪੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਐਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਆ ਪੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੌਰੀ
पेयर प्रोडक्शन च असीं कुछ की डिफाइन करते हैं कि जदों मेरे को एस एच एक इलेक्ट्रॉन ते एक पॉजिट्रॉन, मैं दो वर्ड लवांगा गल ध्यान समझियो, एक सेकंड रुकिए, चल पेयर प्रोडक्शन दे अंदर ते एनहिलेशन ऑफ मैटर दोनों दे अंदर जिहड़े एग्जाम्पल्स ने यही एक दूजे दे रेसिप्रोकल। पेयर प्रोडक्शन च असीं की कहने कि जदों एस एच कोई गामा रे फोटोन, चलो एक बार सुन लियो वर्ड पे बाद चाहे एक्सप्लेन करते हैं, कोई एक गामा रे फोटोन होवे यानी गामा पार्टिकल होए, कहना जी व्हेन गामा रे पार्टिकल विल बी कन्वर्टेड इनटू फॉर्म ऑफ कहना जी मैटर। गामा पार्टिकल बेसिकली सी किनो कहने, दीज आर द एनर्जी रेडिएशन, यानी आ मेरे को पुत एनर्जी दी फॉर्म आ, ते जे किसे रिएक्शन दे अंदर मेरी एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाए असि कहने जी इन दैट केस एनर्जी मस्ट बी कन्वर्टेड इन टू द फॉर्म ऑफ मैटर, एनर्जी मेरी मैटर की फॉर्म च कहना जी कन्वर्ट हुई होंगी है। एक सिंपल एग्जाम्पल दिना, कैमिस्ट्री च पढ़ी हुई है तुहाडी फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट, वो तुसीं आ दसदे कि जे किसी एक मैटर की सरफेस के उत्ते कोई फोटोन आके फॉल करता, किसी मैटर की सरफेस से कोई फोटोन आके फॉल करता, तो मैटर की सरफेस तो इलैक्ट्रॉन रिलीज होंगे, जो ये पिछे छड़ के जाएगा, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निकल गया, जो इन्हें पिछे छड़ेगा इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ असि कहने पॉजिटिव चार्ज पिछे छड़ेगा, यानी जो आ गामा रे फोटोन, ठीक है, फोटोन किनू कहने चार्जलैस ते मासलैस पार्टिकल आ, दीज आर द एनर्जी पैकेट, ते जे इत्थे एनर्जी पैकेट आके डिगया, ठीक है, और उन्हें आ इलेक्ट्रॉन क्रिएट किया, ते इहदे वल इलेक्ट्रॉन ते पॉजिट्रॉन, एक वर्ड ऐड करता पिया पॉजिट्रॉन, असि कहने जो भी किसी रिएक्शन के अंदर एनर्जी डिस्ट्रॉय होएगी, ठीक है, इट ऑलवेज टू बी कन्वर्टेड इन टू फॉर्म ऑफ एनर्जी मैटर। इहदा मतलब जो किसी रिएक्शन के अंदर कोई गामा पार्टिकल मेरा डिस्ट्रॉय होएगा, तो हमेशा इन्हें की करना, एक इलेक्ट्रॉन तो एक पॉजिट्रॉन आ दो पार्टिकल क्रिएट करने हैं। पॉजिट्रॉन असी प्रोटोन नहीं कह रहे, असी प्रोटोन ही वर्ड यूज करते थे, पॉजिट्रॉन इज सेम एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, हर पार्टिकल का असि मान के चलते हैं एक एंटी पार्टिकल भी होंगे, इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल असि पॉजिट्रॉन कहने, पॉजिट्रॉन कोई भी एंटी पार्टिकल अपने गिवन पार्टिकल दे हमेशा क्या होएगा चार्ज वाइज डिफरेंट होएगा, पर अदरवाइज वो सारिया प्रॉपर्टीज जड़िया ने वो सेम एज दैट ऑफ पार्टिकल, मतलब पॉजिट्रॉन का मास जरा पॉजिट्रॉन की बाकी प्रॉपर्टी जरिया वो सिमिलर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, सिर्फ फर्क यह होएगा कि पॉजिट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन मेरा नैगेटिवली चार्ज। वो कहता जो आ रिएक्शन होएगी ना, किसी रिएक्शन के अंदर थोड़ा गामा रे पार्टिकल खत्म हो गया, यदा मतलब हो गया ये एनर्जी उस रिएक्शन च डिस्ट्रॉय कर गई, तो एनर्जी हमेशा मैटर की फॉर्म च कन्वर्ट होएगी, यानी आ इलेक्ट्रॉन ते पॉजिट्रॉन दोनों मास वाले पार्टिकल आ, दोनों का मास हैगा वा, जबकि इहदा कोई मास नहीं सीगा, इहदा मतलब ये मासलैस पार्टिकल मासिस वाले पार्टिकल च कन्वर्ट हो गया, इहदा मतलब हो गया एनर्जी जिहड़ी सीगी वो मैटर दे विच कन्वर्ट हो गई, ते फिर जदों एनर्जी मैटर च कन्वर्ट होवे, यां इहदा पुठा कर दो कि जे एक इलेक्ट्रॉन ते एक पॉजिट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ते एक पॉजिट्रॉन आपस च कंबाइन कीते और उस तो बाद ना इलेक्ट्रॉन लभ्या ना पॉजिट्रॉन लभ्या, असि कहने दोनों एनहिलेटेड डिस्ट्रॉय हो गए, ते ए हमेशा ही उस मोमेंट ते असि कहने जी गामा पार्टिकल प्रोड्यूस करदे, इहदा मतलब इलेक्ट्रॉन ते पॉजिट्रॉन, ठीक है, जदों डिस्ट्रॉय होए इहनां मैटर खत्म हो गया, क्योंकि ये दोनों का मास है इसलिए मैटर वा, ठीक है, और इन्होंने जो प्रोड्यूस किया वो एनर्जी है, इहदा मतलब जदों मैटर एनर्जी च कन्वर्ट होया या जदों एनर्जी मैटर च कन्वर्ट हुई, दोनों केसिस दे अंदर ठीक है, जिहड़ा अपने कोल एस एच कॉन्जरवेशन ऑफ चार्ज आ ये जस्टिफाई होगा, मतलब टोटल चार्ज रिएक्टेंट साइड ते जीरो आ, ते इधर जे इहदा माइनस ई चार्ज आ ते इहदा प्लस ई चार्ज आ, ते टोटल चार्ज इधर भी जीरो आ। वो कहिंदा जदों ये फिनोमिना नेचर च होएगा इट मस्ट ओबे द ऑल फंडामेंटल लॉ, law of conservation of energy, conservation of charge, conservation of linear and angular momentum, sare law nu justify kare. Inni gal samay lagi? Yes sir. Sir. Haan ji. Sir, annihilation of matter vich jadon electron te positron gamma rays vich convert honge ta fir do gamma rays produce honge? Do gamma rays produce honge.
ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸ ਐਚ ਮੈਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਮਟੀਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੈਟਰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦੋ ਗਾਮਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਤੇ ਸਰ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਗਾਮਾ ਰੇ ਦੋਨੋਂ ਬਣਾਉਗੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਆਪਾਂ ਜਰਨਲ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਗਾਮਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗਾਮਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਐਸ ਐਚ ਜਦੋਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟ੍ਰੋਨ ਬਣਾਇਆ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਯੈਸ ਸਰ ਯੈਸ ਸਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਸ ਐਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਐਨਰਜੀ ਪਾਵਰ ਬਾਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਆਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕੋਲਿਜ਼ਨ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਈਡੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ